बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ उज़्मा नदीम और आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन वाली फ़िश। सर्दियों की सौगात है, बहुत मज़े की बनती है, तो आइए आपको बताते हैं इसे कैसे तैयार करते हैं। चार किलो फिश है हमारी, एक कप बेसन का डाल लिया है, दो चम्मच ऑयल का डाल दें, ये चार किलो फिश का मसाला है हमारे पास, एक चम्मच अजवाइन का पाउडर, एक चम्मच जीरे का पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, दो चम्मच कुटी लाल मिर्च, दो चम्मच खुशक धनिया, दो चम्मच सुरख मिर्च पीसी, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला। नमक हमने फिश वाले से ज़्यादा लगवा लिया था ताकि बाद में लगाना ना पड़े, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब हम सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। दो अदद इसमें लेमन निचोड़ दें, लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। मसाला हमारा मिक्स हो गया, अब हम फिश को लगा लेंगे। फिश का मसाला हमने लगा दिया, अब इसे दो घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपके पास ऑयल हमारा फुल गर्म हो गया, अब हम इसमें फिश डाल देते हैं। पहले दो मिनट आपने फुल गर्म ऑयल में फ्राई करनी है, उसके बाद स्लो फ्लेम पे फ्राई करनी है। अगर आप फुल ऑयल गर्म में फिश डालेंगे तो इसका बेसन नहीं उतरेगा। दो मिनट बाद इसने आपका स्लो फ्लेम कर दें। अब हम इसमें दूसरा पीस डाल देते हैं। तीन से चार मिनट तक आपने इसको एक साइड से पकाना है, फिर साइड चेंज करके तीन से चार मिनट दूसरी साइड से पकाना है। तीन मिनट हो गए, अब हमने इसकी साइड चेंज कर दिया। माशाल्लाह देखें दोस्तों, कितनी मज़े की फ़िश तैयार हुई है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।